हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम रोज़ फ्लेवर भापा संदेश बनाएंगे। बहुत ही आसान और माउथ मेल्टिंग मिठाई है, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। दूध को अभी हम अलग रखेंगे। अब हम लेंगे 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर, 2 टेबल स्पून पानी। विनेगर और पानी के घोल को अभी हम साइड में रखेंगे और अब हम दूध को गर्म करने के लिए रखेंगे। गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे और दूध को इस प्रकार से चलाते हुए गर्म करेंगे जब तक कि दूध में एक अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता। दूध में जैसे ही अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और अब हम विनेगर और पानी के घोल को एक एक चम्मच करके दूध में डालेंगे और दूध में इस प्रकार से मिलाएंगे। एक साथ पानी और विनेगर के घोल को हमें इसमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और दूध में मिलाते जाएंगे। धीरे धीरे दूध फटना चालू हो जाएगा। दूध जब अच्छे से फट जाएगा और सारा पानी बिल्कुल क्लियर दिखने लगेगा तो अब हम इसे छान लेंगे। अब हम छेने को ठंडा पानी डालकर 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। इस प्रकार से छेने को धोने से छेने में से विनेगर की सारी खटास अलग हो जाएगी। तो 2 से 3 बार छेने को हमने अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसका सारा पानी निकाल देंगे। सारा पानी निकालने के बाद छेना बनकर तैयार है, तो अब हम इसे अलग रखेंगे और अब हम गैस ऑन करके पैन में 1/2 कप दूध डालेंगे, 1/3 कप चीनी डालेंगे, 1/4 कप मिल्क पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे जब तक चलाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। चीनी के मेल्ट होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 ड्रॉप रोज एसेंस। यहाँ पर हमने ऑयल बेस्ड रोज एसेंस का यूज़ किया है। 2 मिनट और इसे चलाते हुए पकने देंगे। 2 से 3 मिनट बाद होममेड कंडेंस मिल्क बनकर तैयार है। अब हम इसे अलग रखेंगे। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर टीन वाला कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम छेने को 2 भागों में डिवाइड करेंगे और अब हम 1 भाग को मिक्सी के जार में डालेंगे, साथ में 1/2 कंडेंस मिल्क डालेंगे। अब हम इसका स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। बैटर के बनाने के बाद अब हम इसे टीन में डालेंगे। टीन में हमने वाटर पेपर लगाकर टीन को अच्छे से ग्रीस करके लिया है। बैटर को अच्छे से सेट कर देंगे। और अब हम जार में बचा हुआ 1/2 छेना डालेंगे, साथ में बचा हुआ कंडेंस मिल्क डालेंगे। थोड़ा सा रेड कलर डालेंगे। हमने यहाँ पर ऑयल बेस्ड कलर का यूज़ किया है, आप इसमें कोई भी कलर डाल सकते हैं। और अब हम इसका भी स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे और अब हम इस बैटर को भी टिन में डालेंगे। बहुत ही अच्छा पिंक कलर का बैटर बनकर तैयार हुआ है, इसे भी हम अच्छे से सेट कर देंगे। टिन को अच्छे से टेप करेंगे
और अब हम इसे स्टीम करेंगे। स्टीमर में हमने पानी डालकर इसे अच्छे से गर्म कर लिया है। स्टीमर की जाली के ऊपर टिन रखेंगे और अब हम इसे ऊपर से ढक देंगे। ढक्कन को हमने कॉटन के कपड़े से कवर करके लिया है ताकि भाप का पानी संदेश पर ना गिरे। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 35 से 40 मिनट तक स्टीम होने देंगे। 35 मिनट बाद अब हम इसे चेक करेंगे। वुडन स्टिक डालकर देखेंगे तो स्टिक बिल्कुल क्लीन आई है, तो संदेश हमारा अच्छे से स्टीम हो गया है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज में रखकर ठंडा करेंगे। उसके बाद हम इसे कट करेंगे। 1 घंटे बाद संदेश को हमने फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम इसके पेपर को अलग निकाल देंगे। बहुत ही सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग रोज भापा संदेश बनकर तैयार है। इसे आप चाहें तो जेली लगाकर गार्निश भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान और डिलीशियस मिठाई बनकर तैयार होती है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।